महाराजपुर के वार्ड नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू खेल मैदान में चल रहे एमसीएल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में 2 पारियों में रोजाना मैच खेला जाता है, जिसमें मैच के आज तीसरे दिन पहली पारी का मैच मलखान सिंह राकेश पाठक फैंस क्लब और श्रीराम क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया, जिसमें टॉस जीतते हुए श्रीराम क्रिकेट क्लब ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मलखान सिंह राकेश पाठक फैंस क्लब के सामने 143 रनों का लक्ष्य रखा। श्रीराम क्रिकेट क्लब के ओर से खेल रहे मनीष चौरसिया रानू ने 49 रन बनाए। 20 ओवर के खेले जा रहे इस मैच में मलखान सिंह राकेश पाठक फैंस क्लब 17 ओवर में ही सिमट कर रह गई और मात्र 99 रन बना पाए, एवं दूसरी पारी का मैच ब्रांडेड कंगारू और महादेव क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया, जिसमें ब्रांडेड कंगारू ने 20 ओवर में 140 रनों का लक्ष्य महादेव क्रिकेट क्लब के सामने रखा और महादेव क्रिकेट क्लब 109 रन पर सिमट कर रह गई एवं ब्रांडेड कंगारू ने जीत दर्ज की। महाराजपुर क्रिकेट लीग में आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष मलखान सिंह एवं भाजपा नेता राकेश पाठक मौजूद रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा नेता मानिक चौरसिया, भाजपा किसान मोर्चा की जिला अध्यक्ष बॉबी राजा एवं युवा भाजपा नेता मणिकांत चौरसिया मौजूद रहे। उपस्थित अतिथियों ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय देते हुए टॉस कराया और मैच का शुभारंभ हुआ। आज के मैच में अशोक चौरसिया और कपिल सेन, मनीष चौरसिया अंपायर की भूमिका में रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी रैली में आए हुए हैं।